आई एम डॉक्टर प्रदीप मर्यादा, असिस्टेंट साइकेट्रिस्ट। मैं आज मेंटल अवेयरनेस वीक के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो कि 4th अक्टूबर से 10th अक्टूबर तक है। 10th अक्टूबर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के रूप में हर साल मनाया जाता है। मेंटल अवेयरनेस वीक इसलिए मनाना ज़रूरी है क्योंकि अधिकतर जो फिजिकल इलनेस रहती हैं, यानी कि जो एक तरह से शारीरिक बीमारियां जो बहुत पहले से लोगों को पता है, उसके इलाज पता है, उसके डॉक्टर्स पता हैं, तो वो बहुत इनिशियल स्टेज में उनके पास मरीज चला जाता है, टाइमली कंट्रोल हो जाती है बीमारियां और सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन जैसा कि सर्वविदित है, मैं एक साइकेट्रिस्ट होने की वजह से ये बताना चाहता हूँ कि अधिकतर जो मानसिक बीमारियाँ हैं वो क्रोनिक कैटेगरी में आती हैं, यानी कि एक तरह से पुराने रोगों में, यानी कि उनका इलाज और आने का दोनों का जो सिस्टम है वो लॉन्ग तरीके से होगा, यानी कि आएंगे भी बहुत धीरे धीरे और ठीक भी थोड़ा सा टाइम से होती हैं। इस वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो लोगों को जब परेशानियां बहुत दिन तक चलने लगती हैं, मानसिक बीमारियां, तो उसको लोग ऊपरी बाधा, प्रेत बाधा, इस तरह की चीज़ों को समझकर अनर्गल बाबाओं के चक्कर में या फिर अनपढ़ लोगों के चक्कर में या फिर जड़ी बूटी के चक्कर में फंस कर और जो रोग है उसकी और तीव्रता बढ़ा देते हैं। इससे रोगी को भी दिक्कत होती है, उसे उसके परिवार को भी दिक्कत होती है और सीधी सी बात है कि डॉक्टर को भी परेशानी होती है, क्योंकि अगर कोई रोग बड़ी अवस्था में आता है तो उसको कंट्रोल करना, रोकना या उसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मानसिक रोगों के लिए जो ये अवेयरनेस, यानी जो जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोग अगर जागरूक रहेंगे तो बहुत जल्दी आएंगे और जल्दी डॉक्टर उनको ट्रीट करेगा, तो उसमें उनके पैसे की बचत है और उनके परिवार को भी काफ़ी, परिवार वालों को भी काफ़ी राहत मिलती है। अब इसमें यही होता है कि ज़्यादातर जो बीमारियां होती हैं आजकल, जैसे अभी कोविड चल रहा है इस समय, तो इस समय भी जितने भी पेशेंट, मान लीजिए डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी या सब्सटेंस के थे, इनमें बहुत बढ़ोतरी आई है। इवन कई स्टडीज़ में पाया गया है कि करीब 90% पर्सन्स तक को एंजाइटी रहती है अगर वो कोविड पॉजिटिव आ जाते हैं, या कई पर्सन में ऐसे हैं जो कोविड निगेटिव हैं तब भी उनमें एंजाइटी बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है। तो इतना महत्व है, यानी कि आप साइकेट्रिक इलनेस को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत आराम से ठीक हो जाती हैं। कई बार अगर माइल्ड टू मॉडरेट स्टेज पर रहती हैं तो वो बिना ट्रीटमेंट के भी ठीक हो जाती हैं, काउंसलिंग से भी ठीक हो जाती हैं, और हो सकता है कि अगर बहुत बड़ी अवस्था में रहें और टाइमली इंटरवेंशन हो जाए तो बहुत जल्दी भी ठीक हो सकती हैं। तो इस वजह से ये अवेयरनेस वीक मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है, और सबसे बड़ा इसका बेनिफिट यही है कि आप इस चीज़ को समझें कि यह रोग है। सुसाइड की बात कर लेते हैं, कई ऐसे रोग हैं जो पहले क्रिमिनल ऑफेंस में आते थे, सुसाइड को बिल्कुल बीमारी मान लिया गया है और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है। कोई पर्सन अगर सुसाइड करता है, ये माना जाता है कि वो एक रोग था जिसका इलाज नहीं हो पाया, इस वजह से पर्सन ने सुसाइड किया। तो मेरे कहने का मतलब है, इसको क्रिमिनलाइजेशन ऑफ सुसाइड बोलते हैं, यानी कि इसको एक तरह से अपराध की शाखा से हटाकर इसको नॉर्मल लोग की प्रक्रिया में शामिल कर दिया गया। इस तरह से लोगों में अगर जागरूकता रहेगी तो मानसिक बीमारियों या मानसिक रोगों के प्रति लोगों में सम्मान बढ़ेगा और शिक्षा बढ़ेगी, जिससे लोग मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे और जल्दी लाभ पाएंगे। धन्यवाद।